बजट के बाद बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा असर, फाइनेंस सेक्टर वाले शेयर्स पर ज्यादा फोकस करने की राय। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर में आज शुरुआती एक घंटे के कारोबार के दौरान इसमें 3% तक तेजी आई। इस दौरान यह शेयर 3,390 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। पिछले एक महीने में इसमें करीब 35% तक तेजी आई। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के निवेशकों के लिए अच्छी खबर। कंपनी के शेयर्स में आज शुरुआती कारोबार में 10% तक उछाल आया। टेक महिंद्रा और वीआईपी इंडस्ट्रीज पर रखें नजर, हो सकती है मोटी कमाई। सांवरिया कंज्यूमर, जेपी इंफ्रा, कंसोल कंस्ट्रक्शन, उजाज एनर्जी, रोलटेनर्स लिमिटेड, इन 5 पेनी शेयरों ने दिए बम्पर रिटर्न। शेयर्स 5% तक उछले। इन्फोएज बेच सकती है 730 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी। इन्फोएज इंडिया ने मंगलवार शाम को जानकारी दी है कि वह जोमेटो के आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेगी। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक घरेलू शेयर बाजार पर लिस्ट होने की योजना बना रहा है। यह बैंक आईपीओ के जरिए 1000 से 1300 करोड़ रुपए जुटा सकती है। तीसरी तिमाही तक आ सकता है आईपीओ। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एलआईसी के आईपीओ को लेकर एक बड़ी घोषणा की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20 मार्च को समाप्त सप्ताह में लगभग 12 वर्षों बाद 11.98 अरब डॉलर से ज्यादा घटा है। केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा की बिकवाली की है। इसका असर फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ा है।